क्या आईपीएल? आईपीएल क्या? आईपीएल जो जीते आईपीएल सब अपना ही टीम है यार, जो जीते सब में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं इंडिया के, तो इससे हाँ तो ये भी सही लॉजिक है। क्या था लास्ट क्लास? तुम कहाँ से आते हो? यही से? अच्छा सब लोग इधर शिफ्ट हो लिए? तुम नहीं हुए, बाकी सब इधर हो? अच्छा आज आ गए? नहीं पास हो शिफ्ट हो लो, अगर दूर मतलब घर पे नहीं रह रहे हो ना तो इधर पास शिफ्ट हो सकते हो, आने जाने किराया तो कम से कम बचेगा। हाँ जो घर पे उसके पास कोई थोड़े ऑप्शन। आवाज आ रही है? हेलो यस ठीक। लिखो केमिस्ट्री में पढ़े भी होगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, न्यूक्लियस पढ़े हो, न्यूक्लियस भी पढ़े हो गए। अरे नया चैप्टर है, गोल्डन पेज से स्टार्ट करो। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एटम के बारे में नहीं बता, डाल्टन। डाल्टन ही तो बोला था कि जितने भी सब्सटेंस है मैटर वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से, जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में एक नया साइंटिस्ट है, कौन? थॉमसन, ठीक है ना। गलती से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया था, तो जब उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो बोले कि भैया एटम ही सबसे छोटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो उनसे पूछा गया बताओ फिर एटम होता कैसे, जब इलेक्ट्रॉन है तो एटम कैसे डिफाइन करोगे? तो उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इंबेडेड होता है, और इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। नाम सुना हो प्लम पुडिंग मॉडल का? नहीं सुन, केमिस्ट्री में पढ़ लोगे यार? थॉमसन मॉडल नहीं पढ़े हो? तुम नहीं पढ़े हो तो कब पढ़ोगे? मुहूर्त वहूर्त निकाल के रखे हो क्या पढ़ने के लिए? हाँ तो फिर थॉमसन के बाद एक और आदमी पैदा हुआ, कौन? अरे हिस्ट्री वस्ट्री थोड़ा, एक चेन है ना, पहले डाल्टन जी आया, डाल्टन के बाद कौन आया? थॉमसन, थॉमसन के बाद, हाँ देखो उसको पता है, इसके बाद हाँ, इन चारों ने अपना अपना ज्ञान दिया। तो इन्होंने क्या बोला था, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटम। और यही डाल्टन के अनुसार यही स्मॉलेस्ट यूनिट था किसी भी मैटर का। उसके बाद थॉमसन आए, ये बोला स्मॉलेस्ट एटम नहीं होता, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसने बोला जो एटम होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज इम्बीडेड, इन अ स्फेरिकल स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक प्लम इन पडिंग, इसका मतलब समझते हो? प्लम पडिंग का मतलब समझते हो? अच्छा वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं उसका मतलब फील कर सकते हो कैसे होते हैं? अरे प्लम क्या है ना, जैसे केक होता है ना, केक के ऊपर व्हाइट व्हाइट या फिर रेड रेड दाना नहीं कहीं कहीं खोज देते हैं, ठीक है वही है। तो थॉमसन ने ये बताया, और ये ऑलमोस्ट मतलब जो भी हमारा फिनोमेना था, जैसे थर्मोइनिक मिशन हो गया या फिर फोटोइलेक्ट्रिक मिशन हो गया, ये जस्टिफाई कर रहा था। उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज का जो स्फीयर है उससे बाहर आ जाते हैं, कुछ एनर्जी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि फिर रदरफोर्ड को परेशानी हो गई, उन्हें बोला हम चलो देखते हैं,
कि जो बोल रहा है थॉमसन वो सही है कि नहीं। उसके लिए एक फेमस सा एक्सपेरिमेंट किया उसने, जिसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसने क्या करा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करा। अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब करा तो उसको पता चला कि भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज इस स्फेरिकल शेप का बोल रहा था ना, एक्चुअल में स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन वो उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। जैसे इसने बोला था कि एटम है, ये एटम है स्फेरिकल शेप का है, और इधर प्लस प्लस चार्ज है बस, और बीच में कहीं कहीं क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो बहुत सारे एटम्स अरेंज हुए होंगे, ऐसे अरेंज होगा तो बीच में गैप जो होंगे, इसके अनुसार थॉमसन के अनुसार बीच में जो गैप होंगे वो बहुत कम होंगे। जो पूरा जो भी स्पेस होगा किसी भी मटेरियल के अंदर, वो क्या होगा, भरा का भरा होगा। ठीक है, उसने कह रहा चलो करके देखते हैं, अगर हम एक पार्टिकल फेंकते हैं और अगर इधर से टकरा के वापस आ गया, यानी ये जगह भरा हुआ है, अगर पार हो गया तो जगह कम भरा हुआ, तो उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा कितना रेशियो पार हुआ, कितना रेशियो टकरा के वापस आया, उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। उसके लिए रदरफोर्ड ने एक गोल्ड लिया, गोल्ड का फॉइल बना, गोल्ड ही क्यों लिया, गोल्ड जो है ना वो मोस्ट मेलिएबल मटेरियल है। मेलिएबल का मतलब समझते हो क्या, जिसको हैमर करके थीन शीट्स बना सकते हो। ठीक है ना, तो जो अभी तक का खोजा गया है उसमें गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल है, जिसको पीट पीट करके बहुत ही पतला थीन बना सकते, उसको थीन कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली जो साइज था ना, जिस गोल्ड फॉइल को उसने यूज किया, वो था 40 माइक्रोमीटर के बराबर। ठीक है, इतना पतला शीट बनाया, फिर उस पर क्या फेंका, अल्फा पार्टिकल, जो भी थीन शीट था उस पर क्या फेंका, अल्फा पार्टिकल को फेंका, और पाया क्या कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गया, सीधा सीधी पास हो गया। ठीक है ना, जब गोल्ड फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल को फेंका, मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए। और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे पार्टिकल होते हैं, प्लस चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एच ई प्लस ना, हाँ, तो वो प्लस चार्ज होता है। तो बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो पास हो गए। अब पास होने का मतलब ये है कि ये जो बोल रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो भरा हुआ है वो ऐसा है नहीं, क्या था, छोटे छोटे स्फेयर थे जिसपे जो चार्ज था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, प्लस चार्ज। ठीक है, और इसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जो भी न्यूक्लियस है ना, जो भी मतलब जो प्लस चार्ज है ना, वो बड़े से रीजन में नहीं अरेंज किया हुआ है, वो क्या क्या है, छोटे से रीजन में अरेंज किया गया है, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 10^-14 मीटर। मतलब जो भी इसका डायमीटर है इस प्लस चार्ज का, वो कितने के बराबर है, इतने मीटर के बराबर है। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल फेंका, तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पड़ेगा वो चुपचाप पार हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ एक पोर्शन था जो टकरा के वापस आ गया, मतलब 1000 में 1 टकरा के वापस आ गया। तो उसने बोला कि एक एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह है, कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, जहां पे प्लस चार्ज रहते हैं, क्योंकि उसी के चलते वो टकरा करके वापस आएगा। तो उसका साइज कितना बताया, अप्रोक्सीमेटली इतना, और इसे वो क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, हाँ, इसमें कुछ गलतियां थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तब उसी का एक स्टूडेंट था बोर, उन्होंने एक्सप्लेन करा। डाल्टन के बारे में नहीं पढ़ना है, थॉमसन का बस इतना ही था। रदरफोर्ड हेडिंग लिखना, लिखना विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉइल विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल अल्फा गोल्ड हाँ विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल
रदरफोर्ड एक्सप्लेन डैट एक्सप्लेन डैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम एक्सप्लेन डैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल रेडियस इन ए स्मॉल रीजन लिख दो इन ए स्मॉल रीजन ब्रैकेट में लिख दो डायामीटर 10^-14 मीटर इन ए स्मॉल रीजन ब्रैकेट में लिखना है डायामीटर 10^-14 मीटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस full stop most of the space around most of the space around nucleus is empty around nucleus is empty most of the space around nucleus is empty full stop ठीक है अब देखो इसने बताया एटम का स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसा होता है अगर कोई भी एटम है तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग प्लस चार्ज एक छोटे से रीजन में होगा और इसके आसपास अराउंड क्या होंगे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ठीक है लेकिन हुआ क्या कि इसने एक चीज को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाया मतलब एक चीज ऐसा था जिसके बारे में मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो क्या रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा और अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा घटते जाएगा और टाइम के साथ अगर एनर्जी घटते जाएगा तो अगर पहले इस ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा था तो धीरे धीरे इसका ऑर्बिट का साइज छोटा होगा और ये जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और जैसे ही न्यूक्लियस से टकराएगा तो फिर क्या होगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय मतलब पूरा मटेरियल डिस्ट्रॉय लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी था ठीक है ना जिस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया दूसरा एक और चीज था जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है स्पेक्ट्रम समझाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि हम जब एनर्जी सप्लाई करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है या तो इमिट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी दो तरीके का होता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है ना वो सर्टेन रेंज में करता है सर्टेन लिमिट में करता है या लाइन इमिशन या फिर उसको बैंड इमिशन बोलते हैं तो इस तरीके का होता है लेकिन इसके चलते जो एनर्जी आ रहा था वो कंटिन्यूअसली आ रहा था जैसे अगर इसके चलते ये घूम रहा है इमिशन जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा है जबकि कभी भी एटम से कंटिन्यूअस इमिशन नहीं होता है दो चीजें ये फेल हो गया एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिर इसका एक स्टूडेंट था जिसका क्या नाम था बोर उसने अपना चार पोस्टुलेट दिया चार में से बाकी सारा चीज रदरफोर्ड ने बोला था सेम का सेम था एक चीज उसने चेंज कर दिया और उसको चेंज करा फिर एटम जो था मोस्ट ऑफ द केस को जस्टिफाई कर रहा था और एक्सेप्ट कर लिया गया उस टाइम के अनुसार ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे पहले लिमिटेशन में लिखना लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नंबर वन लिखना दिस मॉडल वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई स्टेबिलिटी कंडीशन
ठीक है, नंबर टू लिखना, दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसलिए ये फेल हो गया। फिर आया बोर्स मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके आगे क्वांटम फिजिक्स का मॉडल है, मॉडर्न जो भी मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो सारे नहीं पढ़ने, हमें बोर तक रुक जाना। अब बोर ने क्या एक्सप्लेन करा, ठीक है, इसने चार पॉस्टुलेट बताया। उस चारों के चारों पॉस्टुलेट जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्राइटेरिया उस टाइम तक जितने ढूंढे गए थे फॉर एटम या स्टेबिलिटी या बाकी सारी चीजें, वो सबको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसलिए उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया गया इसका। ठीक है, तो लिखना, फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स पॉस्टुलेट, स्पेलिंग नहीं आता है, फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर वन लिखना, देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, for which necessary centripetal force For which necessary centripetal force is provided by electrostatic force, provided by electrostatic force acting between electrons and nucleus. number two लिखो, electrons are only permitted to revolve in certain orbits in which they do not undergo, in which they do not undergo undergo electromagnetic undergo electromagnetic radiation emission electromagnetic radiation emission इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन। तो उसने बोला कि कहीं भी नहीं इलेक्ट्रॉन घूम लगा, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम लगा, क्योंकि पूरा का पूरा जगह खाली है। तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट कहीं भी किसी डिस्टेंस पे बना दो, उसमें इलेक्ट्रॉन को घुमा दो,
तो बोला कि कहीं भी अपने मन से इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, परमिटेड ऑर्बिट है उसी में घूम सकता है, और जब उस ऑर्बिट में घूमेगा तो फिर एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और एनर्जी रेडिएट नहीं करता इसलिए इस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप देकर के लिख लो, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नंबर थ्री लिखना, नंबर थ्री में लिखो, इन अलाउड ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, दैट इज एल ई इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एंड ई जो होगा वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो एम ई वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एम ई जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर जो है ये रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, एन क्या होता है 1, 2, 3 इसको बोलते हैं ऑर्बिटल नंबर, या केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो शायद इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। फोर्थ पॉसिलेट लेना, फोर्थ पॉसिलेट था, उससे उसने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो लिखना फोर्थ पॉसिलेट, लिखो इलेक्ट्रॉन्स ओनली इमिट एनर्जी when they jump from an orbit of low energy. ठीक है, अब देखो इससे उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन है, पहला चीज क्या है कि अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, ये 1, 2, 3
तो जब वन टू और थ्री में घूमेगा तो कोई भी एनर्जी मीट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इसके बीच में कहीं कर नहीं सकता, अलाउड नहीं है उसको, यही घूम सकता है, यही घूम सकता है, फिर यहाँ और बाकी भी आगे पॉसिबल है, तो इसमें एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या कोई भी स्पेक्ट्रम आ कहाँ से रहा है? वो तब होता है जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जंप करता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। तो एटम का नेचर होता है हमेशा रहना कहाँ, ग्राउंड स्टेट में रहने का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। तो जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा ना, तो जो इसके पास एनर्जी फालतू की बचेगी वो क्या करेगा, इमिट कर देगा, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ जम करे, यहाँ से यहाँ जम करे, तो उस केस में एनर्जी इमिट होता है और उसी को स्पेक्ट्रल फॉर्म में हम दिखाते हैं जो आगे कुछ देर में पढ़ेंगे। तो इसने बताया अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे जो डाउट उस टाइम पे थे सबके सब सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे और एक छोटा सा पहले नोट लिख लो, इट इज वैलिड ओनली फॉर नोट में लिख लेना, इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए है बोर मॉडल बना सकते हो, हीलियम के लिए बना सकते हो, नहीं हीलियम के लिए बनाना है तो इसको क्या करोगे, पहले आयनाइज करोगे Hc प्लस, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा किसकी तरह होगा। या फिर बोरॉन के लिए, बोरॉन से क्या करना पड़ेगा, दो या तीन, थ्री प्लस होगा, एल्युमिनियम थ्री प्लस होगा सर, लिथियम होगा, चलो बोरॉन का थ्री प्लस, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी एटम्स है उसी का हम बोर मॉडल बना सकते हैं। मतलब कहने का है एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन बचा होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब हम बाहर कर लेते हैं। और सारे आइसोलेटेड कंडीशन में होने चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन एटम लेकर के उसका एटोमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर एक हीलियम एटम लेकर के उसका एटोमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी और एटम से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, सबके सब आइसोलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी होगा और कौन कौन से रेडियस जो है वो परमिटेड है, उसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें पता चली वो कहां से पता चली, जो भी उसके चार पॉसुलेट से उसी से, ठीक है, वही चारों पॉसुलेट को यूज करेंगे। और जो भी चीज है यहाँ पे वेलोसिटी हो गया या फिर रेडियस हो गया, आगे चल के एनर्जी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सबका सब कहाँ से आएगा, इधर से ही आएगा, ठीक है। तो उसने जो पहला पॉसुलेट बोला था, पहला पॉसुलेट के अनुसार क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आ कहाँ से रहा है, घूम रहा है ना, तो जब घूमेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके चलते एक फोर्स आता है जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करता है, सफिशियंट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसके चलते सर्कुलर मोशन होता है। कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो पक्का एक फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होता, अलग काइंड का फोर्स नहीं होता, जो फोर्स एग्जिस्टिंग होता है उसी फोर्स को वो क्या कर लेगा, सेंट्रीपिटल बना लेगा। तो समझते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे अगर जेड नंबर ऑफ, मतलब अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो इसमें चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर जेड है तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, एटॉमिक नंबर जेड है तो चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पे, जेड इंटू ई। अरे ये सब केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए हो ना, नहीं पढ़े हो, अरे हाँ या ना, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है ना, आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो अगर जेड नंबर है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर अगर जेड है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, जेड होगा। तो चार्ज और न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, जेड इंटू ई, ठीक है। और एटम की बात करोगे तो पूरा एटम न्यूट्रल होता है, पूरा एटम न्यूट्रल है, यानी बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस पे चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई। और जेड इलेक्ट्रॉन्स बाहर अलग अलग ऑर्बिट में अरेंज घूम हो रहे होंगे, जो 288 समथिंग वैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में। तो ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी मान लो इधर घूम रहा, वी वेलोसिटी से इधर की तरफ। इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस ए, ठीक है। ये रेडियस है जो हमें कैलकुलेट करना, वेलोसिटी और ये रेडियस कैलकुलेट करना। डायग्राम ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एफ की जो वैल्यू होगी वो होगा के इंटू जेड ई ई बाई आर स्क्वायर। इतना तो जानते हो ना, कूलम फोर्स का नाम सुने हो, कूलम फोर्स कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ चार्ज क्यू वन चार्ज क्यू टू, यहाँ पे चार्ज क्यू वन की वैल्यू कितनी है, जेड, और इसका कितना वैल्यू है, अभी हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए बस ई लिख रहा है, माइनस नहीं लिख रहा है। इसका माइनस आने का मतलब है जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव नेचर है, इसका मतलब जो फोर्स काम करेगा वो इस लाइन के अलोंग काम करेगा, एफ। सो अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो एफ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन, या इसको अभी इक्वेशन मान लो, आगे इक्वेशन करेंगे। ठीक है, और यही जो फोर्स है ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। दिस ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर। और एफ सी होता कितना, एम बी स्क्वायर बाई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर। तो इन दोनों, ये दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम ई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये इक्वेशन है तुम्हारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है। देखो इस इक्वेशन में अननोन कितने हैं, ये जो भी इक्वेशन है इसमें अननोन कितने हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो ताकि ई सबस्क्रिप्ट लगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ना लगे। हाँ, वेलोसिटी भी अननोन है और रेडियस भी अननोन है, तो एक इक्वेशन है अननोन कितने हैं, तो एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन बताएगा, कौन बताएगा, बोरी बताएगा, कहां से बताएगा, सेकेंड इक्वेशन आएगा फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है या सेकेंड है, एक बार देख लेना, थर्ड है जिसमें बताया गया है, थर्ड ही है ना जिसमें वो इंटीग्र वो बताया है। हाँ, तो थर्ड पोस्टुलेट से क्या लिखेंगे, एम ई वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये है तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन,
जो भी कैलकुलेट करना है वेलोसिटी या रेडियस इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, रेडियस की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। या फिर अगर इधर से वेलोसिटी का वैल्यू उठा करके इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, रेडियस। कोई भी एक काम, क्योंकि दोनों निकालना है, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इज इक्वल टू एम ई इंटू एन एच बाई 2π into b। ये और ये इक्वेशन यूज करा इस साइड, ये वाला टर्म है, एक आर जो है ना, ये आर स्क्वायर इधर, एक आर कट जाएगा इधर जाएगा, और v इंटू आर किसके बराबर है, इधर मास से डिवाइड। हाँ, ये जो ये पूरा टर्म है ना, एम वी आर, एम वी आर की, सॉरी ये पूरा इसके हटा सकते हो, एम वी आर की जगह पूरा क्या लिख सकते हो, ये वाला टर्म एन एच अपॉन 2π। तो एक भी बचेगा, जैसे देखो ये आर स्क्वायर अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एम ई वी स्क्वायर आर। तो वी स्क्वायर में से एक भी खींच लेंगे तो क्या बचेगा, एम भी आर बचेगा। तो एम भी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, एक भी बचा, तो यहां से भी की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहां से जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इधर 2, v की जो वैल्यू होगी वो होगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ε0 h, और बाहर बचेगा जेड बाय एन। ये तुम्हारा वेलोसिटी है। अब E जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट है। अब साइलेंट भी कांस्टेंट है, अब साइलेंट नोट क्या है, कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, या वेरी क्या कर सकता है, जेड वेरी करेगा, एटॉमिक नंबर चेंज करोगे जेड वेरी कर जाएगा, और ये N भी वेरी करेगा। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट है ये वाला टर्म है, यानी इस टर्म का कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होगा जो बाहर कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू वी वन जेड बाई एन, ठीक है, where v1 is equal to e square 2ε0 h, जिसकी वैल्यू होती है c/137। v1 की जगह क्या लिख सकते हो, c/137। c का मतलब क्या है, लाइट की स्पीड। तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी के लिए v, वो आएगा c/137 जेड बाई एन। अब किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना, n पुट करना, z पुट करना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब रेडियस कैलकुलेट करो। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में v की वैल्यू उठा करके पुट कर दो। यहाँ पे v कैलकुलेट कर चुके हैं ना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में v की वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे, और जैसे ही v की वैल्यू पुट करोगे वो आ जाएगा ऐसे लिख दो, एंड फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ 3, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री में जो भी v है उसको रिप्लेस करेंगे, तो इधर बचेगा एम ई, e की जगह वो टर्म रख दो, ई स्क्वायर बाई 2ε0 h, और जेड बाई एन इंटू आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π।
सिंपलीफाई करो और कितना आ रहा। आर इधर से सिंपलीफाई करूंगा, सो आर जो आएगा टू से टू, पहले कैंसिल आउट कर दो जो भी टर्म है, ये सॉरी ये एन थोड़ा कंफ्यूज है। देखो ये जो हमें करना है ना, एन और जेड वाले टर्म को बाहर ही रखना है, तो अगर एन और जेड वाले टर्म को बाहर रखोगे ये होगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, बाकी जो टर्म रख रहा है एज ए कोफिशियंट के फॉर्म में रखोगे। तो अगर कोफिशियंट के फॉर्म में लिख रहे हो ऊपर क्या बचेगा एच, इधर से भी एक और एच आएगा एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, और एप्सिलॉन भी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और क्या ऊपर जाएगा, और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज का आएगा नीचे। नीचे क्या क्या से डिवाइड होगा, पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये जो ब्रैकेट में ये टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू ये सारे क्या है कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसका कुछ टर्म होगा वो लिख सकते हो, तो इसको लिखते हैं आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है याद है किसी को, हाँ 529 या 53 एंगस्ट्रॉम। और इसको भी क्या बोलते हैं, बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलेंगे बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। और बाकी जो भी ऑर्बिट हो ना इसी के टर्म में होता, इसी के टर्म में, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाइड है, सो आर जो है उसको क्या लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, और जो वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, एन ऑर्बिटल नंबर है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, तो किसी भी एटम के लिए पूछे या किसी भी नंबर ऑर्बिटल नंबर के लिए पूछे आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ से ज्यादातर कंपैरिजन वाला सवाल आता है, ठीक है ना, इधर से सॉल्व करोगे तो क्या करेगा, जैसे बोल देगा जेड इक्वल्स टू 59 के लिए जेड इक्वल्स टू 51 के लिए कैलकुलेट करो रेडियस, तो रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा रिलेशन चेक कर सकते हो कि अगर एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगा घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा कम होगा, जो फोर्स है वो कम हो रहा है, फोर्स कम होने का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने का क्या मतलब है वेलोसिटी घटेगा, यानी अगर n इंक्रीज करोगे वेलोसिटी क्या होगा घटेगा, z इंक्रीज करोगे तो z ऊपर आ रहा होगा, जब वेलोसिटी का रिलेशन लिखे तो z कहां आ रहा है ऊपर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर कीपिंग n कांस्टेंट, जब एक टर्म देखते हैं ना तो दूसरे वाले को क्या करते हैं कांस्टेंट रखने हैं, अगर एन कांस्टेंट करने का मतलब अगर कंपेयर करोगे आयरन के लिए और निकल के लिए तो ऑर्बिट वन के लिए करो या फिर ऑर्बिट टू के लिए करो, या ऐसा नहीं कर सकते एक का ऑर्बिट टू ले लिए दूसरे का ऑर्बिट वन ले लिए, ऑर्बिट कांस्टेंट रखो एटॉमिक नंबर चेंज करो एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रखो, तो जो भी तुमको रिलेशन चाहिए ना जो भी वो जो ट्रिपल स्टार ये भी ट्रिपल स्टार तुमको इक्वेशन यही याद रखना है, वो जो भी डेरिवेशन करें उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना पढ़ाने तक का मतलब है कि तुमको कौन कौन सा इक्वेशन याद रखना है, बस तीन इक्वेशन स्टार्टिंग से अभी तक ले हम जो पढ़े हैं इसमें तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहला जो था वो था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़े वी इज इक्वल टू वी वन या वी वन से बढ़िया वैल्यू लिख दो वन बाई सी बाई 137 और जेड बाई एन, और ये तीसरा इक्वेशन जो बोलता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, तो जितना पढ़े अभी तक का बस इसमें यही तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से ही सवाल आता है, ठीक है।
करेंगे सवा लिखना क्वांटम नंबर क्या फाइंड द क्वांटम नंबर फाइंड द क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ए बोर ऑर्बिट whose radius is 0.01 mm in an hydrogen atom. Whose radius is 0.01 mm in hydrogen atom. करो सॉल्व करो देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें जो भी रूट के अंदर आएगा उसको ऐसा ही रहने देना रूट टू आना नहीं चाहिए क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए जब भी एन की वैल्यू आएगा वो किस टर्म में आएगा इंटीजर होगा 435 एग्जैक्ट इतना एग्जैक्ट कैसे निकाल लिया तुम कैलकुलेटर या फिर रटे हो सर कैलकुलेटर सर कैलकुलेटर से करेगा चलो ठीक है देखो इसमें जो रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ 0.01 mm इसका ध्यान देना ये जो टर्म है ना जो भी यूनिट है उसका ध्यान देना और हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है रेडियस कितना होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड ठीक है लेकिन एंगस्ट्रॉम में अरे बात समझ में और कहीं गलती नहीं होगा अगर फॉर्मूला याद है तो ज्यादा दिक्कत है नहीं लेकिन यूनिट में गड़बड़ी हो जाता है तो इसको क्या करो ना इसको भी मीटर में कर लो इसको भी मीटर में कर लो तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 0.01 into 10^-3 mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री से मीटर इसको जब कन्वर्ट करो तो क्या होगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 10^-10 आप दोनों को इक्वेट कर दो जब इक्वेट करोगे सो 0.01 इंटू 10^-3 इज इक्वल टू 0.53 जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 हाइड्रोजन है ना तो इधर जेड 1 लिख दो एन स्क्वायर इंटू 10^-10 एन सिंप्लीफाई करना है तो जो भी टर्म है इधर से उस साइड लेके चले जाओ तो होगा 0.01 इंटू 10^-7 टाइम्स में काटेगा डिवाइडेड बाय 0.53 और सिंप्लीफाई करोगे तो उसने कुछ बताया कितना 437 या 35 कुछ
ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ना वो गैप होगा उसमें बहुत ज्यादा, अगर ऐसा सवाल आता है तो ऑप्शन में गैप होगा। तो इधर से सिंप्लीफाई कर तो ये 20 के आसपास आएगा, 20 के जस्ट अराउंड आएगा। तो 20 के आसपास आ रहा है तो 4 और 5 के बीच का आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकता है, 5 होने के लिए कितना आना चाहिए, 25 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये 20 से कम ही आ रहा है। तो जो भी अब इधर 100 बाहर निकला हुआ है, इधर से जो आएगा वो लेस देन 5 होगा, तो यानी जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 500 से कम में होना चाहिए, 500 से कम में। ऑप्शन अगर ठीक होगा वैसे कर दोगे, क्योंकि इस टाइप का जो सवाल पूछेगा ना वो तुमसे एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। एक और लिखो या कभी कभी वैल्यू दे देता है, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 1000 डिवाइडेड बाई 53 आ रहा है ना, उसका वैल्यू बता देगा सवाल में, लिखना। एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ब्रैकेट में लिख देना n=1, ग्राउंड स्टेट अभी बताएंगे सबके बारे में, n=1 to a higher energy state where its velocity reduced to one third of its initial value, find ratio of initial radius to final radius, find ratio of initial radius to final radius किसमें, नहीं हायर एनर्जी स्टेट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। एन वेरी कर रहा है इस प्रॉब्लम में, जेड कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, एन वेरी कर रहा है ना, जेड को कांस्टेंट रख रहा है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम हर चीज उल्टा क्यों कर रहे हो, अगेन एन 1/3 आ गया, एन 1, 2, 3, 4 इंटीजर होना चाहिए, सोचो क्या क्या रिलेशन यूज होगा। n=3, हाँ ठीक है, कितना 9:1, अरे रख लो इस पे फट जाएगा कॉपी, पलट रही हो उसमें भी दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा सर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना सर, कितना क्या बोल रहे हो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बता चुका हूं यार फॉर्मूला, अभी तो यार तीन फॉर्मूला लिखे थे, बोले थे कि वही तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेडियस एन के डायरेक्टली है या स्क्वायर के, रेडियस एन के साथ कैसे डिपेंड करता है,
स्क्वायर करता है ना, बस नाइन आर। देखो इसमें क्या कह रहा है ना, मान लो जो वी वन है इनिशियल वो कितना है, वी है, और वी जो फाइनल है वो कितना है, वी बाई थ्री है, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। और हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल अगर जेड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा, वी का रिलेशन में हमने लिखा था, वी कितना होता है सी बाई 137 डिवाइडेड बाई जेड बाई एन, ठीक है। अब यहां से तुमको क्या पता चल रहा है, जेड कांस्टेंट है क्योंकि सेम हायर लेवल से वो सॉरी ग्राउंड लेवल से हायर पे जा रहा है, तो जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 है, क्योंकि रेशियो ले लो ना, रेशियो कहने का मतलब है वी इनिशियल बाई वी फाइनल, इनवर्स रिलेशन है तो आर फाइनल बाई आर इनिशियल, ऐसा होगा, ठीक है। और एन की वैल्यू इनिशियल के लिए कितनी होगी, 1, सॉरी एन लिख सकते हो, एन फाइनल और एन इनिशियल। अब यहां से लिखोगे तो एन इनिशियल वो ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था कितना है, वहां से कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू जो आएगी, एन फाइनल उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी वो जंप करके 1 से कहा गया 3 में गया, बस काम खत्म। अब 1 में था तो 1 में अगर रखोगे तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0.53, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना भी नहीं है, इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो 1 के लिए। r3 का जो वैल्यू होगा वो 0.53 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि जेड अगेन कितना है 1, रेशियो लेना था तो r1 बाई r3 कितना हो जाएगा 1/9, इनिशियल टू फाइनल था या फाइनल टू इनिशियल वो चेक कर लेना, हाँ इनिशियल टू फाइनल करोगे तो 1:9 आएगा। बस 3 इक्वेशन, वही 3 इक्वेशन याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है, अभी 1-2 और इक्वेशन बढ़ेगा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, हल्के हल्के सवाल आते हैं, ज्यादा इधर से कोई टफ नहीं आता, इजिली कर सकते हो, और देखते हैं अगर होगा तो। चलो और कुछ है नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो भी एनर्जी आएगा वो किसके किसके चलते आएगा, एनर्जी का टोटल एनर्जी क्या होता है, समीशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी आएगा क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम सुने हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुने हो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, ग्रेविटेशन भी नहीं पढ़े हो, हाँ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी किसका किसका समीशन होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हर जगह फिजिक्स में ज्यादातर यही होता है, ठीक है ना, अगर पार्टिकल चल रहा है और साथ ही साथ किसी और से इंटरैक्ट कर रहा है तो इंटरैक्शन के चलते पोटेंशियल एनर्जी आता है, मोशन के चलते काइनेटिक एनर्जी आता है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी, बस वही करना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा कितना, काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल के लिए 1/2 mv², और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो एम ए लिखेंगे, हाँ जब बजना चाहिए ना ट्यून तो ऐसा ही ट्यून बजना चाहिए, थोड़ा सा झनकार, ऐसे नहीं रोने वाला ट्यून बज रहा है, बढ़िया बढ़िया बजाएगा। चलो तो मास, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी अभी हम हमने कैलकुलेट करा, वी का जो वैल्यू है वो क्या करा हमने अभी कैलकुलेट करा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1/2 mE, वी की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ एन एच बताना, वो सारी चीजें एन एच जो टर्म है ना, हाँ कितना जेड बाई
मैं पहले बॉक्स वाला बताऊं ना क्या था बॉक्स में, ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एच इतना था, और बाहर बॉक्स के अंदर जेड बाई एन, ऐसे याद रखोगे ना तो इजी याद होगा, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा करके याद रखोगे, इसका स्क्वायर यही करना। वो जेड बाई एन बाहर करके इसलिए याद रखते हैं ताकि कभी वो भूल जाओ ना रिलेशन, तो ये वेलोसिटी के लिए याद रहे जेड बाई एन, जेड बाई एन, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो सॉरी माइनस लिख रहा हूँ, एम ई ई स्क्वायर है तो फोर हो जाएगा, पावर फोर डिवाइडेड बाई, यहाँ से टू और टू स्क्वायर फोर, और बाहर एक टू है तो एट, ठीक है। अब साइलेंट नॉट स्क्वायर जो भी टर्म है अंदर वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर, और कुछ बचा नहीं है ना, तो अगेन इसको कोफिशेंट रखेंगे बाहर, जेड एन को निकाल कर रखेंगे तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है। इसमें से भी जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आता है लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा देर बाद लिखेंगे। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एट नंबर है। अब साइलेंट नोड को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में सब पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे और एन पे, स्क्वायर पे, वो सारी चीजें अभी आगे देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, नेक्स्ट काम है हमारा क्या निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी यहां पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके चलते हैं, जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहां है वो किसके चलते हैं, चार्ज के चलते हैं, ठीक है ना। और चार्ज के चलते कौन सा पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है यू इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ यूज करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यू, उसकी वैल्यू होगी के क्यू वन कितना है जेड इन टू ई, क्यू टू कितना है माइनस ई, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है ना वो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई आर, आर जो कि रेडियस है। तो अगर यहां से यू कैलकुलेट करोगे, यू की जो वैल्यू आएगी वो होगा जेड या के बाद में रख देना, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई के को लिख सकते हैं फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या लिखोगे, आर एम ई, और मास और एज के फॉर्म में बताना, एम और देखो एक बार एम ई एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एच स्क्वायर है और हाँ पाई स्क्वायर एम एम, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऊपर है, चलो इसको ऊपर कर लो, ठीक है ये रेडियस है, और बाहर क्या होता है ये नीचे, ये ऊपर नहीं है, देख लो एक बार ठीक से, अब सही है एच स्क्वायर एप्सिलॉन पे पाई स्क्वायर, और बाहर क्या आता है एन स्क्वायर बाई जेड। अब इसको ऊपर ले जाओ, जो भी टर्म नीचे है उसको ऊपर ले जाओगे तो यू की जो वैल्यू आएगी, जेड को फिर बाहर कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस एम ई ई स्क्वायर ई का पावर फोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर कोफिशिएंट, और इधर बचेगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर,
ये सब वैल्यू रटना नहीं है, ये जो लिखा रहे हैं ना यू इक्वल्स टू, ये सब कुछ रटना नहीं है पागल जैसे। हाँ रटे पड़े हो, रटे पड़े कुछ याद नहीं रखना है, उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तुम्हें बस याद करना है कि ये भी जो भी चीज है वो जेड पे और एन पे कैसे डिपेंड करता है, बाकी सारी ये चीजें कॉन्स्टेंट है, ये वेरी नहीं करती है। तो अब हमें काइनेटिक भी पता चल गया और पोटेंशियल भी पता चल गया, तो टोटल कैसे निकलेगा? सो टोटल इज, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम ई ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस एम ई ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे यहाँ माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस दिखेगा। और सिंपलीफाई करोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर इसको जैसे ही सिंपलीफाई करोगे टोटल एनर्जी जो आएगा वो किसमें आएगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव टोटल एनर्जी का एक स्पेशल मतलब होता है। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे टोटल एनर्जी विल कम एज माइनस ऑफ एम ई ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड बाई एन। सिंप्लीफाई करोगे नेगेटिव, देखो कैसे ये जो है ना इन दोनों में बड़ा कौन है? 1/8 1/4 इन दोनों में बड़ा कौन है? 1/4। तो छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी घटा रहे हो, सॉल्व करोगे इतना आएगा। अब पूरा ये सब कॉमन कर सकते हैं ना यार, जो जो कॉमन है कॉमन कर लो। यहाँ आएगा 1/8 माइनस 1/ एलसीएम कितना होगा? 8 1 माइनस 2 माइनस 1/ इधर देख। अब पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है सिस्टम क्या है? बाउंडेड है। जब भी टोटल एनर्जी किसी सिस्टम का नेगेटिव आ जाए, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन में जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे सैटेलाइट और प्लैनेट का, कभी भी किसी सैटेलाइट और प्लैनेट का जब एनर्जी निकालते हो तो टोटल एनर्जी क्या आता है? नेगेटिव आता है। जैसे मून और अर्थ का टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका कहने का मतलब है कि मून और अर्थ बाउंडेड है। सिमिलर केस यहाँ भी आ गया, जब हमने इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुस के देखा तो जो फोर्स लग रहा था उसके चलते मोशन हो रहा है, उस मोशन के चलते ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी आएगा और ये टोटल एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब सिस्टम बाउंडेड है। बाउंडेड सिस्टम कहने का मतलब होता है अगर तुमको ब्रेक करना उसको तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नीचे नोट में लिख दो, नेगेटिव टोटल एनर्जी मीन्स, नेगेटिव टोटल एनर्जी मीन्स, नेगेटिव टोटल एनर्जी मीन्स, टोटल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस। ठीक है, और नोट में नीचे दूसरा पॉइंट देकर के लिखना, टोटल इज एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव या फिर पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर होता है। अब चेंज करेंगे इस टर्म को, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। जो कांस्टेंट है उसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आएगा पता है किसी को? कितना? 13.6। जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो जो टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा कितने के बराबर होगा? 13.6 के बराबर होगा। सो लिख सकते हो एंड एम E e to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h square is equal to 13.6 electron volt। ध्यान रखेंगे यूनिट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो पूरा टर्म कैलकुलेट करोगे किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ये चौथा फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के हेल्प से कभी कभी हमसे वेवलेंथ पूछ लेता है. ये जो फॉर्मूला है हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि यहाँ जेड जो है ना, जेड एक नंबर है, एन भी एक नंबर है, तो इन ये जो दोनों टर्म है ये तुम्हारा यूनिट में कोई पार्ट नहीं है इनका, ठीक है. तो यूनिट में पार्ट किसका, इस वाले टर्म का, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा. जूल में कन्वर्ट करने के लिए वही 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना. तो ये फोर्थ फॉर्मूला है, इसको याद रखना. टोटल एनर्जी कितने के बराबर होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. अब देखो ये वाला टर्म तो अगेन कॉन्स्टेंट है, ये दिमाग में होना ही चाहिए तुमको. अगेन टोटल एनर्जी वेरिएशन अगर दो एटम का या फिर अलग अलग ऑर्बिट का पूछ रहे हैं तो इधर से याद होना, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, जो भी इधर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. एटोमिक नंबर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगा, कीपिंग एन कॉन्स्टेंट, ठीक है. और अगर एन बढ़ेगा तो जेड क्या होगा, सॉरी एन बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दूर दूर जाता अगेन जो इंटरेक्शन है वो कम होगा. इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन भी कम होता है साथ साथ वेलोसिटी भी कम होता है, इसलिए टोटल एनर्जी घटता है. तो ये फोर्थ फॉर्मूला, इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, अगर होगा तो कराएंगे. चलो इससे रिलेटेड सवाल है लेकिन कुछ टाइप्स पढ़ाने के बाद है. चलो लिखना नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंड एक्साइटेशन एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी दूसरा पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और तीसरा एक्साइटेशन एनर्जी. तो ये जो टोटल एनर्जी पढ़ रहे हैं हम, इसी के हेल्प से हमने तीन एनर्जी डिफाइन किया गया, कौन कौन सा, बाइंडिंग, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है. उसके पहले नोट में एक छोटा सा चीज पढ़ लेंगे, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1, ठीक है. नेक्स्ट होता है एक्साइटेड स्टेट, जहां n की वैल्यू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक. अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू 1 में नहीं है, कहीं और है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, या इन्फिनिटी पे है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है. और एक्साइटेड स्टेट में भी जब एन इक्वल्स टू 2 है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इधर से बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. और अगर n इक्वल्स टू 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ये वही वाला गलती होता है जो हार्मोनिक में करते हैं हम, ठीक है ना. होता क्या है, सवाल में बोलता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बच्चे क्या करते हैं आग मुन करके n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, आंसर दिखेगा वहां पे, टिक मार के खुश होकर आएंगे, कितना नंबर, 4 मिलेगा, कितना, -1, मतलब -5 मिलेगा तुमको, ठीक है. तो इसमें ध्यान देना, जब भी बोले, जब भी तुमको बोले mth excited state, क्या बोलेगा, mth excited state, तो mth excited state का मतलब होता है n plus 1, ठीक है ना. जब भी क्या बोलेगा, mth बोलेगा तो m की जो वैल्यू होगी इसको ले जाकर उधर घटा दो, उल्टा लिख रहे हैं क्या, अच्छा n निकालना ना, mth बोलेगा, ऐसे लिखना,
ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ एन फॉर mth एक्साइटेड स्टेट. एन निकालना है तुमको, एन कैसे निकालोगे, जो भी दिया होगा उसमें वन ऐड कर देंगे, ठीक है. तो एन की जो वैल्यू होगी वो ऊपर वाला मैंने उल्टा लिखा था एम प्लस वन. तो हम ऐसा इधर से सोचेंगे, जैसे ही एम्थ बोले वन ऐड कर देना. थोड़ा सा जब एनर्जी का सवाल पूछे ना इधर की तरफ, तो पॉज लेकर के थोड़ा सा इंतजार करके तब सॉल्व करना, आंख बंद करके मत कर देना. और कोई गलती नहीं होगा, बस इधर ही गलती होगा, क्योंकि अब 13.6 तो रटी लोगे, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर तो रटी लोगे. चलो आप समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. कितना बजे तक पढ़ोगे? चलो ये तीनों खत्म कर, पढ़ा के खत्म कर देंगे. लिखना बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. जल्दी जल्दी लिखोगे जल्दी खत्म होगा. इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बाउंडेड सिस्टम. इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बाउंडेड सिस्टम एंड टेक इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड टेक इट्स कंस्टिट्यूएंट टेक इट कंस्टिट्यूएंट टू अ लार्ज डिस्टेंस टू अ लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी बाउंडेड सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का होगा. कोई भी सिस्टम है, जो बाइंडिंग एनर्जी हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, अगर उसमें जो दो पार्टिकल या तीन पार्टिकल एक दूसरे से इंटरफेयर करके सिस्टम बना रहे हैं, उन तीनों को अलग अलग कर दो, या जो दो है तो दोनों को अलग अलग कर दो, लार्ज डिस्टेंस पे ले जाकर रख दो, ताकि उनके बीच का इंटरेक्शन खत्म हो जाए. इंटरेक्शन खत्म होने के चलते पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी खत्म. जब खत्म हो जाएगा तो उस जितना एनर्जी लगेगा उसे क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे. ठीक है ना, इसका एक दूसरा तरीके से भी डिफिनेशन था, लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूं कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम को बनाते वक्त रिलीज होता है. क्या है, किसी भी सिस्टम को बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी है. तो बनाते वक्त इतना रिलीज हो गया तो उसको तोड़ने के लिए तुमको देना पड़ेगा जो रिलीज हुआ, और उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी. तो लिख दो, या डेफिनेशन ही बस काफी है. नेक्स्ट लिखो आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में लिखना इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम, टू आयनाइज एन एटम, टू आयनाइज एन एटम. आयनाइज करने का क्या मतलब है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आयनाइज हो जाएगा. आईई जो होता है, आईई को जनरली हम लिखते हैं ई इंफिनिटी माइनस ई वन. सो आईई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगा, माइनस ई वन के बराबर होगा, क्योंकि ई इंफिनिटी कितना होता है, जीरो. इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई एनर्जी नहीं बचेगा. तो जो भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, जितनी एनर्जी उसके पास है वही उसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. और नोट में एक चीज लिख लो, फॉर हाइड्रोजन एटम बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू
आई हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालोगे तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, और सिस्टम ब्रेक करने को ही क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जो कि आयनाइजेशन के बराबर है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप कौन सा लिखो, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी लिखना, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू टू एक्साइटेड स्टेट, टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी है ना, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मे बी हम इलेक्ट्रॉन को वन से टू में रखेंगे, इसको भी एक्साइटेशन बोलते हैं, वन से थ्री में रखो एक्साइटेशन होगा, थ्री से या वन से फोर, वन से इन्फिनिटी, सारे के सारे क्या है, एटम को एक्साइट कर रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग वैल्यू आएगा। सो हम जो डिफाइन करेंगे वो पहला टर्म करेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना एनर्जी लगेगा, ई आई सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू लिख लो, कितना होगा इसका वैल्यू, कहाँ ले जा रहे हैं, वन से टू ले जा रहे हैं, मतलब एन इक्वल्स टू वन टू, एन इक्वल्स टू टू, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, जो भी एनर्जी लगेगा ये करने में, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई टू माइनस ई वन। अगर वन से टू में ले जाओगे, और इधर से ही सवाल बनता, इधर से सवाल बनना शुरू होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को वन से टू में जंप करवा रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन टू में था वन में जंप कर रहा है, तो उसके चलते एनर्जी इमिट होगा, और जो एनर्जी इमिट होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे क्या होगा, क्या क्या नहीं, जो डेफिनेशन है वो पढ़ो एक बार ठीक से, हैं? हाँ, डेफिनेशन क्या है ना, डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं बना सकते। एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं जब एक्साइट करते हैं, जो पहले से एक्साइटेड था थ्री से फोर, ठीक है ना, उसको नहीं बोलेंगे। और सही, अगर सेकंड लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एन इक्वल्स टू वन से कहाँ ले जाओगे, थ्री पे, तो यानी जो डेल्टा ई होगा, इधर डेल्टा ई ले सकते हो, डेल्टा ई जो होगा वो होगा ई थ्री माइनस ई वन, और ध्यान से देखोगे सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी क्या आएगी, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ही क्या होता है, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है जिसमें एटम तुमको एनर्जी सप्लाई करता है, उसमें एटम एक्साइटेड स्टेट से क्या होता है, ग्राउंडेड स्टेट में जाता है। कोई भी एटम अगर एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के लिए उसको 10^-8 सेकंड लगता है, अपने आप हो जाएगा, जो भी प्रोसेस है तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 कहीं भी हो, उसको वन में जाने में कितना टाइम लगेगा, 10^-8 सेकंड, उतने में वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके चलते स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं हम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।